माय डियर फ्रेंड, आज का जो हाइलाइट्स हैं, जिसको बोलते हैं खास बात क्या है आज की वीडियो में, आज की कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो अलग है। माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि जो कॉल्स हम लोगों के पास में खुद ज़्यादा आती हैं, जिनको ज़्यादा आती हैं, मतलब जो कंपनीज़ के लोग अलग से खुद फ़ोन करके बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफाइल सेगमेंट अलग बहुत इम्पोर्टेंट वाला रहता है। आज की जो एक टेक्निकल कंपनी और एक होटल कंपनी और एक एजुकेशन सेक्टर, होटल लैंडमार्क कल मैंने आपको बताया था, जो सेक्टर बेसिकली बंद हो गया था कोरोना में, अभी एजुकेशन का भी एक अच्छा प्रोफाइल आया है कानपुर में। तो एजुकेशन, होटल और टेक्निकल, ये तीन प्रोफाइल्स को अलग करके पूरा बता रहा हूँ, जिनमें अर्जेंट ज़रूरत है। जिन कंपनीज़ में खुद ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनमें ज्वाइनिंग जल्दी होती है, कम टाइम में होती है, और जिनमें हम लोग फ़ोन करके पूछते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें डायरेक्टर से बात होगी, इसमें यानी कि इमीडिएट अर्जेंट फाइनलाइजेशन है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपसे ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट इज़ ए वेल नोन कंपनी फॉर कानपुर। प्लांट हेड इनको एक चाहिए, मैकेनिकल एक प्लांट हेड 50-70 पैकेज। अब ट्राइडेंट कंपनी में कौन से प्लांट हेड होगा, इसके डिटेल के लिए आप अलग से मिल लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग एक्सपीरियंस इन मशीन शॉप 30 तक का पैकेज, HR एग्जीक्यूटिव, टर्नर, VMC, HMC ऑपरेटर, ये इनके यहाँ पे अर्जेंट प्रोफाइल है। लेट मशीन ऑपरेटर, ये सब इनको चाहिए। टर्नर, लेथ मशीन ऑपरेटर, BMC ऑपरेटर, VNC प्रोग्रामर, टर्नर, ये सब इनकी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल वाली, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्लांट हेड 50-70, मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन मशीन शॉप, ये रनिया के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो लोग चाहते हों इसमें इमीडिएट फाइनलाइज होना, टेक्निकल के सभी लोग अभी एकदम से एक्टिव हो जाइए, ITI डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निक सब हो जाइए, जूनियर, सीनियर, मिडिल, हाईएस्ट, तीनों चीज़ों का टेक्निकल में से कम्बिनेशन, इवन फैब्रिकेशन अलग है और मैकेनिकल इंजीनियर, BTEC, ITI ये सब हैं, सबकी प्रोफाइल ट्राइडेंट में है। क्योंकि जो जिनका फ़ोन मेरे पास में आया था, जो हेड टेक्निकल में है, वो यहाँ पर बहुत पहले, आज 230th जॉब ड्राइव के लगभग आ गए, पहले 50वें जॉब ड्राइव से उनका रिलेशन एक है, और उन्होंने खुद याद किया इस बात के लिए कि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ अच्छी बन सकती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपके रिज्यूम में कुछ भी नहीं है तो हम किसी को भी पुश कर सकते हैं। आपके रिज्यूम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके GD के साथ अगर मैचिंग करके या मेकिंग करके जाएंगे तो फ़र्क निश्चित पड़ेगा। होटल लैंडमार्क में HR मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, कैप्टन, स्टीवर्ड्स की इमीडिएट और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन इंडस्ट्री में रामा यूनिवर्सिटी, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 50 तक का पैकेज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये जो रिक्वायरमेंट है रामा यूनिवर्सिटी की, इसमें ब्रांडिंग प्रमोशन, बेसिकली जिन्हें एडमिशंस में काम किया हो, प्रेजेंटेशंस दिए हों अलग अलग जगह पे, उनका पैकेज अच्छा पैकेज आ सकता है। खासतौर से कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने काम किया है, एजुकेशनल ग्रुप में काम किया है एडमिशन में, तो वो उनके लिए हैं। ये 3 प्रोफाइल्स हैं, जो एजुकेशन, होटल और टेक्निकल। जो होटल और एजुकेशन काफ़ी दिनों से बंद टाइप था, बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट कम हो रहा था, सैलरीज रुक रही थी, आधी हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है इसमें सुधार हुआ है, और सुधार होने की वजह से आप सब लोगों के लिए ऑप्शंस भी ओपन हुए हैं, जॉब जनरेशन है, और निश्चित रूप से आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये 3 जो प्रोफाइल्स हैं, टेक्निकल और होटल की, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, होटल के जिनको ने कोर्स कर रखा होटल मैनेजमेंट का, उनके लिए भी ऑप्शंस कम आते हैं, और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग हैं, प्लीज़ उनके लिए ये इमीडिएट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सैटरडे के पहले सब क्लोज होने हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, MySureJob.com। डोंट मिस जॉब एंड ड्राइव ऑन सैटरडे।